बिहार का सीवान जिला हमेशा से सुर्खियों में रहा है। कभी इसकी चर्चा देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से होती है, तो कभी यहाँ के बाहुबली रहे पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम से होती है। और यदा कदा सीवान में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमेशा ही बिहार के मानचित्र पे सुर्खियों में आ जाती है। इस बार सीवान जिला सुर्खियों में तब आ गया जब सीवान जेल में एक ऐसा खेल हुआ जो किसी के भी समझ से परे था। सीवान न्यायालय एक कैदी को जमानत देता है और उस जमानत के पेपर पे सीवान जेल से दो दो कैदी बाहर आ जाते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। अब इसमें जेल प्रशासन की गलती है या कोर्ट के उस पेपर की गलती है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक बेल बॉन्ड पे, बेल पेपर पे सीवान जेल दो कुख्यात डकैतों को जेल से बाहर कर देता है। हम इसी बात को समझने के लिए, चूंकि ये मामला न्यायालय से जुड़ा हुआ था, हम इस पर आम लोगों से चर्चा नहीं कर सकते हैं। इस पर जब भी चर्चा होगी कोई कानून का जानकार ही बता सकता है कि आखिर गलती कहां हुई, चूक कहां हुई। न्यायालय के, न्याय के उस मंदिर से चूक हुई या फिर सीवान मंडल कारा के उन अधिकारियों से चूक हुई जिन्होंने एक बेल पेपर पे दो दो कैदियों को बाहर निकाल दिया। हम बात कर रहे हैं शनिवार को एक कैदी को जमानत मिली सीवान कोर्ट से, जिसका नाम था गुल मोहम्मद। डकैती के एक केस में वो जेल में बंद था और उसी केस में एक कैदी और भी बंद था। ये संयोग कहिए कि दोनों का नाम एकदम बिल्कुल सेम था। गुल मोहम्मद उसका भी नाम था, गुल मोहम्मद उसका भी नाम था, लेकिन उसमें जो वल्दियत वगैरह होती है, पता दोनों का, वो अलग अलग था। और इसमें एक गुल मोहम्मद जिसके सारे बेल को सीवान न्यायालय ने कैंसिल कर दिया था, अब उसका जो मामला था वो हाईकोर्ट में विचाराधीन था, लेकिन दूसरे गुल मोहम्मद को एडीजे तीन क्या के, माफ करेंगे, एडीजे तीन के यहां से उसे जमानत मिलती है, लेकिन जिसको बाहर आना चाहिए था वो बाहर नहीं आया, और जिसका मामला विचाराधीन था, पटना उच्च न्यायालय में विचाराधीन था, वो कैदी बाहर आ गया। हम इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे दो मेहमान, जो सीवान यहाँ जिला अधिवक्ता संघ के यहाँ सीवान सदस्य हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हम इनसे चाहेंगे कि ये बताएं कि इस मुद्दे पे हमारे साथ, हम पहले इनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं गणेश राम, एडवोकेट गणेश राम जी, जो एक अच्छे प्रवक्ता, वकील वही होता है जो बढ़िया प्रवक्ता हो सकता है। बड़े जब जब हम किसी डिबेट पे इनके साथ चर्चा करते हैं, बड़ी बेबाकी के साथ ये जवाब देते हैं। और दूसरे हमारे साथ मौजूद हैं अनिल तिवारी जी, अनिल तिवारी जी भी, अनिल तिवारी जी का परिचय हम ये आपको करा दें कि अनिल तिवारी जी इस मामले में शायद अधिवक्ता भी हैं और इन्हीं के द्वारा ये मामला सामने लाया गया था। लेकिन सबसे पहला हमारा सवाल होगा गणेश राम जी से। गणेश राम जी, आखिर ये चूक कहाँ से हुई है, कोर्ट से हुई है या फिर न्यायालय से हुई है? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को इतनी बारीकी से न्यायपालिका के इस चूक को उठाने के लिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि न्यायालय में हमेशा ये प्रयास होता है कि किसी के साथ अन्याय न हो,
न्यायालय हमेशा इस ख्याल से काम करता है कि किसी व्यक्ति को कहीं हम नजायज में किसी तरह का सजा न कर सकें कर दें, ऐसा हमेशा प्रयास हमारा न्यायालय करता है। और उसमें एक जो चूक हुई है जिसके कारण छूटने जिस कैदी को चाहिए वो जेल में रह गया और जिसको जेल में होना चाहिए वो बाहर हो गया, एक अफसोस की बात है। लेकिन इसमें नाम जरूर, आप जो बता रहे हैं कि नाम दोनों का सेम है, नाम सेम हो सकता है, नाम के बाद वल्दियत होती है, वल्दियत दोनों का सेम नहीं है। इन केस अगर वल्दियत भी सेम होता है तो उसमें उम्र लिखा रहता है, उसमें उसका पता लिखा रहता है। और जैसा कि ये मामला जो है, एक गुल मोहम्मद आसाव थाना अंतर्गत सहसराव गांव का रहने वाला है और दूसरा गुल मोहम्मद गुठनी थाना अंतर्गत ओदीखुर गांव का रहने वाला, दोनों का अलग अलग है। उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं क्लर्कियल मिस्टेक है जिसके कारण यह अन्याय हो गया है और जिसको छूटना चाहिए वो बाहर हो गया, जो अंदर रह गया और जिसको नहीं छूटना चाहिए वो बाहर हो गया। चलिए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं तिवारी जी से भी। तिवारी जी, आप बताइए कि कहाँ चूक हुई है, किसकी गलती है कि जिस कैदी को बाहर आना चाहिए था वो बाहर नहीं आया और दूसरा कैदी बाहर आ गया। और चूंकि आप इस मामले को देख भी रहे थे तो आप क्या मानते हैं कि किसकी गलती है ये? देखिए, एक्चुअली ये सूचना हमको मिली रविवार को सुबह। अभियुक्त गुल मोहम्मद द्वारा हमें कहा गया, गुल मोहम्मद द्वारा हमें कहा बताया गया कि हम जेल से बाहर आ गए हैं। तो हमें लगा कहीं हमारी तो चूक नहीं है कि ऐसा ना हो केस में मुदारा रिमांड ही ना हो और हम वहाँ उसका बिल यहाँ से हाईकोर्ट तक लेके चले गए हों। हम सुबह सुबह उसको लेकर सीजीएम कोर्ट में गए, वहाँ हमने लिपिक से मुलाकात किया, अभिलेख का अवलोकन किया, तो पता चला मुदारा जो है कि रिमांड हुआ है, उसका बिल हाईकोर्ट में पेंडिंग है, हाईकोर्ट से डायरी मांगी गई है, डायरी यहाँ से चली भी गई है, जमानत नहीं। आप शायद उस अभियुक्त की बात कर रहे हैं जिसका यहाँ से जमानत कैंसिल हो चुका था और वो हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग था। उसी का अधिवक्ता हम हैं, गुल मोहम्मद उर्फ ललन नट वल्द हदीस मियाँ साकिन ओदीखोर थाना गुठनी, इसके हम जो है कि वकील हैं, अधिवक्ता हैं, इसका पैरवी करते हैं। इसका बेल एडीजे तीन साहब के यहाँ से रद्द हुआ, उसके खिलाफ हमने माननीय उच्च न्यायालय में उसका अपील फाइल किया, वहाँ से डायरी मांग गया और एकाएक वो रविवार को आपको फोन सूचना मिला। तो हमें ऐसा लगा कि जेल प्रशासन से कहीं चूक हुई है। अगली सुबह मंडे को हम सुबह सुबह उसको लेकर कोर्ट में गए, इसको हम सरेंडर करा दें। देखकर के हमने अवलोकन किया तो देखा कि बेल तो उसका हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ के लिपिक द्वारा हमें बताया गया कि अब तो बेल जो होना था हो गया, अब मामला को अब यहीं अब क्लोज कर दीजिए, मुदाला वहाँ चला गया। तो गलती कहाँ से हुई थी, चूंकि ये बहुत बड़ा मामला है। मान लीजिए कि डकैती कांड का एक अभियुक्त, हालांकि दोनों उसी कांड में थे, लेकिन एक को बेल मिलता है लेकिन उसकी रिहाई नहीं होकर के दूसरे कैदी की रिहाई होती है, ये बहुत बड़ा मामला है। इस तरह से कोई बहुत बड़ा अपराधी भी बाहर आ सकता है, चूक कहाँ से हुई है? देखिए, इसमें वस्तु स्थिति ये है कि जो पीओ है, कोर्ट है, वह कहीं से इसमें नहीं आता इस दायरे में। एक्चुअली स्थिति यहाँ सिवान कोर्ट का ये है कि हर कार्यालय में नाजायज कर्मचारी हैं, जायज कर्मचारी काम नहीं करते हैं, नाजायज लोग काम करते हैं और उन नाजायज के द्वारा ही ये चूक हुई है। ये चूक लिपिकी चूक है, ये चूक नाजायज लोगों के द्वारा हुई है। यदि नाजायज कोर्ट में नहीं रहे तो एक भी ऐसी चूक नहीं है, इस सारे नाजायज कर्मियों की बात। ये बहुत गंभीर मामला, तिवारी जी बता रहे थे कि बहुत ये गंभीर मामला है और इन्होंने कहा कि नाजायज टाइप के लोग न्याय के इस मंदिर में, नाजायज टाइप के लोग अगर वहाँ पे काम कर रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं तो वाकई ये चिंता की विषय है। अब हम एक सवाल और करेंगे। गणेश जी, आप बताइए कि आखिर यहाँ से, जैसे कि तिवारी जी ने कहा कि उसमें गलत टाइप के लोग, नाजायज लोग हैं उस न्याय के मंदिर में और उन्हीं की गलती के नतीजा है कि ये दूसरा कैदी बाहर आ गया, तो यहाँ से तो पेपर वगैरह सब बना होगा उसी कैदी के नाम से सब कुछ, फिर जेल क्या देख करके दूसरे कैदी को निकाल दिया, जेल के इसमें क्या गलती नहीं मानी जाएगी? ऐसा है कि हमारे यहाँ अभी सिवान न्यायालय में हमारे जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं
और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हैं, दोनों ही काफ़ी बारीकी से अपना काम करते हैं, बड़ी लगन के साथ करते हैं। और इन दोनों का ये मकसद है कि अच्छा से अच्छा न्याय लोगों को मिल पाए। लेकिन जो हमारे तिवारी जी ने बताया, कुछ सहयोगी हैं, उनके बिना कुछ काम, चूँकि बहाली नहीं होती है, प्रॉपर उतना क्लर्क नहीं है, तो सहयोग के लिए कुछ क्लर्क को टेम्पररी बेसिस पर रखा गया है, जिन्हें कुछ देख कि वो जानकार नहीं है। नहीं, जानकार हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जो नजायज क्लर्क जिनको हम लोग कहते हैं, वो लोग भी बहुत जानकार हैं। क्लर्कियल भूल इंसान से हो सकती है, ये माइनर मिस्टेक के कारण ये भूल हुई है और इस भूल के कारण उसको नजायज फायदा मिला है। लेकिन माननीय हमारे तिवारी जी ने अपनी बड़ी बारीकी से अपनी सूझबूझ का परिचय दिया है कि अपने क्लाइंट के प्रति इतना सचेत रह करके कि जैसे ही इन्हें खबर मिली, जानकारी मिली। हम एक चीज पे रोकना चाहेंगे गणेश जी, कि एक का बेल होता है, शनिवार को उसका बेल ऑर्डर को मंडल कारा को भेजा जाता है, एक गुल मोहम्मद रविवार को निकलता है और दूसरा गुल मोहम्मद उसी ऑर्डर पे, बेल ऑर्डर पे सोमवार को निकल जाता है। एक बेल बाउंड पे दो दो बेल बाउंड नहीं, बेल ऑर्डर पे दो दो कैदी बाहर आ जाते हैं। ये गंभीर मामला नहीं है? आप थोड़ी सी चूक मानते हैं, ये गंभीर मामला नहीं है? ये तो बिल्कुल गंभीर मामला है और ये यहाँ पे जेल प्रशासन को सतर्कता बरतनी चाहिए। अगर रिलीज यहाँ से किसी क्लर्कियल भूल के कारण चला गया कोई गलत, तो उसमें जेल को तुरंत उधर से रिलीज को बैक कर देना चाहिए कि इसमें ये गलती है, ये जिस कैदी का आपने दिया है, जगह पे दूसरा कैदी छोड़ दिया गया है, अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे, नहीं। दूसरे कैदी को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर तो ये जेल पर, तो सर ये तो फिर हमारे मित्र कह रहे हैं वैसा नहीं है। जेल की लाइबिलिटी है कि सीजीएम कोर्ट से, किसी भी कोर्ट से जिस नाम से रिलीज जाएगा उस नाम से वही को छोड़ेगा, तो जो कोर्ट से जो रिलीज गया उस आधार पर जेल प्रशासन छोड़ा, जेल लाइबल नहीं। लेकिन जिसको छोड़ना चाहिए था उसे तो नहीं छोड़ा, नहीं, दूसरे को छोड़ा। जिस नाम से रिलीज गया है कोर्ट से उसी व्यक्ति को जेल छोड़ा उसमें है। सर उसमें तो वल्दियत भी होता होगा, उम्र भी होता होगा, जो भी सब कुछ होता है। नहीं, गलत रिलीज गया है, जो रिलीज गया है गुल मोहम्मद के नाम से और वल्दियत सेम गया है, उसमें कहीं भी जेल प्रशासन नहीं आ रहा है, उसमें वह दोषी नहीं है। तो फिर उसी बेल ऑर्डर पे दूसरे दिन फिर जिसका बेल हुआ था उस कैदी को छोड़ दिया जाता है, फिर यहाँ पे क्या मामला? एक्चुअली बात को समझने का प्रयास किया जाए, बेल बॉन्ड एक जमा हुआ था गुल मोहम्मद सिर्फ नाम से बेल बॉन्ड, और गलती से गुल मोहम्मद उर्फ ललन नट वल्द हदीस मियाँ का रिलीज वहाँ चला गया। ये कुछ नजायज जो है कर्मचारी हैं हमारे कोर्ट में, जिनको कानून की जानकारी नहीं है, प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, वो चूंकि नाम एक ही था इसलिए बाई मिस्टेक रिलीज उसका भेज दिया। जो जिसको निकलना था वह नहीं निकल पाया, जिसको नहीं निकलना था वह निकल गया। इसमें जेल प्रशासन कहीं से भी कुछ नहीं आ रहा है और कोर्ट का भी मामूली लिपकी भूल है। हमें जैसे जानकारी हुई हम उसको न्यायालय में ले गए और न्यायालय और हम अधिवक्तागण का एक परिवार है, हम लोग न्यायालय को सहयोग करते हैं, न्यायालय हम लोगों का सहयोग करता है और आज हमने उसको सरेंडर करा दिया है। सीजीएम साहब उसका रिलीज वापस कर लिए हैं और उसका आत्मसमर्पण हो गया। चलिए ये अच्छी बात रही कि तिवारी जी जो गुल मोहम्मद जिसका मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है उसके अधिवक्ता हैं और इन्होंने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए उस गुल मोहम्मद को जिसका बेल नहीं हुआ था और वो जेल के बाहर आ गया था उसे पुनः सरेंडर कोर्ट में सरेंडर करवाकर उसे जेल भिजवाने का काम किया और उसके जगह पे जिसका यहाँ से कोर्ट से जो बेल हुआ था उसकी जगह पे वो दूसरा भी निकल गया। लेकिन गणेश जी सवाल उठता है कि गलती तो हुई है, अब चूंकि आप लोग अधिवक्ता हैं और ये एक पूरा प्रक्रिया है, कोर्ट का एक प्रक्रिया है, माननीय न्यायाधीश पे हम उंगली नहीं उठा सकते हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती ना हो इसको लेकर के आप लोगों ने चाहे वो जज साहब जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके साथ बैठक हो, चाहे सीजीएम साहब हो, इस पर कभी चर्चा वगैरह आप लोगों ने किए? चूंकि बहुत बड़ा गंभीर मामला हुआ है, कल हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी जो
ये तो छोटा अपराधी है, कोई घटना नहीं किया, लेकिन जेल के बाहर आते ही बहुत से अपराधी होते हैं कि तुरंत घटना को अंजाम देते हैं। अगर कोई घटना हो जाती है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? ऐसा है कि हम लोग पूरे न्यायालय के लोग एक परिवार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जहाँ भी कहीं इस तरह की गलती होती है हम लोग बैठ करके इस पर चर्चा करते हैं। अभी हाल में ही घटना घटी, ऐसी घटना पहले नहीं घटी थी कि हम लोग का ध्यान उधर जाए। वैसे आपको मैं बता दूं कि अभी मैं बार एसोसिएशन सिवान का संयुक्त सचिव नंबर 2 भी चयनित हुआ हूँ, और उस नाते सिवान हमारे जो न्यायालय में विजिलेंस कमेटी है उसका मैं सदस्य भी मनोनीत हुआ हूँ। तो हमारी बैठक हुआ करती है, हर महीने बैठक होती है, और जितनी भी कमी कमजोरी है उसको बारीकी से माननीय जिला जज साहब के सामने रखी जाती है और उसका समाधान हम लोग निकालते हैं। तो ये एक आई है समस्या सामने, इसको हम लोग अगली बैठक में रखेंगे, और इस तरह की कभी भूल ना हो इसके लिए हम लोग अपने माननीय न्यायालय से मिल करके इस पर हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऐसी कभी भूल। और क्या इस पर भी चर्चा होगी जो न्याय के उस मंदिर में, जो जिस तरह से इन्होंने कहा कि कुछ गलत लोग वो भी हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाने की प्रक्रिया, उस पर भी बात होगी? देखिए, उसे हम गलत लोग नहीं कहेंगे, वो सहयोगी लोग हैं, वो गलत लोग नहीं हैं, उसे हम सहयोगी, वो हमारे काम में सहयोग करने के लिए, चूंकि आप जानते हैं कि पूरे सिस्टम में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है और कोर्ट में वर्क बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा बहुत वर्क है। उस परिस्थिति में जो जायज क्लर्क हैं उस सहयोग के लिए जो जानकार लोग हैं, पुराने रिटायर लोग हैं जिन्हें काफ़ी कानून की जानकारी है, उन्हें सहयोग के रूप में अपना उसमें रखे हैं, सहयोग लेते हैं। लेकिन अब आदमी है, आदमी से कहीं थोड़ी सी भूल हो जाती है, और उसी थोड़ी सी भूल के कारण गुल मोहम्मद के बदले किसी दूसरे गुल मोहम्मद का रिलीज पेपर चला गया। गलती सुधार ली गई, और गलती सुधार ली गई, गलती सुधार ली गई, और भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, हम लोग इस पर ख्याल रखेंगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात हुई कि, और सही बात यही है कि इंसान से गलती हो जाती है, हो सकती है, हो गई थी यहाँ पे गलती, लेकिन उस गलती को समय रहते सुधार दिया गया, और भविष्य में जैसे गणेश राम जी से हमारी बातचीत हो रही थी उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो बार एसोसिएशन के एक पदाधिकारी भी हैं और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि आगे से भविष्य में इस तरह की गलती ना हो, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो संयोग अच्छा था कि अपराधी बाहर आया और फिर उसका उसके विवेक पे, और जो उसके अधिवक्ता जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और उस कैदी को पुनः जेल में भिजवाया, जो 2 कैदी आ गए थे गलती से, लेकिन कहीं ना कहीं हम जेल प्रशासन पे हम कहीं ना कहीं वो भी कटघरे में है, क्योंकि एक पेपर पे, एक बेल ऑर्डर पे 2-2 कैदी को बाहर निकाल देना, कहीं ना कहीं वहां भी चूक हुई है, और समय रहते वहां भी जेल प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं, जेल अधीक्षक हैं, उनको गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए था, और विचार करना चाहिए कि आने वाले समय में इस तरह की गलती दोबारा ना हो, क्योंकि सिवान जेल में बड़े बड़े कई कुख्यात अपराधी बंद हैं, और अगर ये इनमें से कोई बाहर आ जाए और कोई बड़ी घटना को अंजाम दे दे तो आखिर इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने दोनों अधिवक्ताओं का जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम, और सबसे बड़ी बात है कि इस गंभीर मुद्दे पे, कानून के मुद्दे पे, चूंकि कानून पे हमारी भी एक सीमा है, हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, और इस पर अच्छी तरीका से प्रकाश आप ही लोग डाल सकते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से ATN लाइव आपको सिवान की हर छोटी बड़ी खबर समय समय पे दिखाता रहेगा। सिवान के जो ज्वलंत मुद्दे हैं
उस पर हम सिवान के जो बुद्धिजीवी वर्ग है चाहे जो भी लोग हैं उनको हम समय समय पे आपके सामने लाते रहते हैं, उन मुद्दों पे चर्चा करते रहते हैं कि पूरे सिवान का मूड क्या है किसी उस मुद्दे पर, जिस मुद्दे को जनता चाहती है कि सिवान के लोग क्या इस पर विचार रखते हैं।